गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो चैप्टर नंबर थर्ड है अपना, और टॉपिक अपना है पॉलीनोमियल्स, जिसका हिंदी में सेंस देखें तो आपका ये होता है बहुपद, ठीक है। पर अपने को ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही पॉलीनोमियल्स अपने पास ही। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ से, जिसमें ओनली फोर वन पावर होती है वो तो था आपका वन डिग्री। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया टू एक्स प्लस के थ्री, तो अक्स के पावर कितनी है ओनली फोर वन है, तो ये कौन सा हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये आपका वन डिग्री हो जाएगा, जिसमें पावर टू हो मैक्सिमम पावर। जैसे आपका यही टर्म ले लेते हो टू एक्स स्क्वायर प्लस के फोर ले लिया, तो यहाँ देखो पावर कितनी है टू है, तो ये आपका कौन सा डिग्री हो जाएगा टू डिग्री हो जाएगा। और जिसमें पावर अपने पास में जैसे ये टर्म ले लिया, तो पावर यहाँ मैक्सिमम कितनी है थ्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा थ्री डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये तो है आपकी डिग्री। अब देखो यहाँ पर टॉपिक इसमें आता है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स, अब इसमें देखो क्या होता है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी यानी जो भी इक्वेशन दी हुई है उसके जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे यहाँ पर जीरोज। कई स्टूडेंट इसको ये ना समझ लें कि जीरोज बोल रही हूँ इसका मतलब यहाँ जीरो है, ये जीरो नहीं है। इसका मीन्स अपने पास में जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतने ही क्या होंगे उसके जीरोज होंगे। जैसे मेरे पास में एक इक्वेशन यहाँ पॉलीनोमियल्स के लिए है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोला जाता है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी में मीन्स होता है यहाँ पे द्विघात। द्विघात का मतलब है जिसके मैक्सिमम कितनी पावर हो टू पावर हो, तो यहाँ देख सकते हो आप कितनी पावर है इसके टू पावर है। इसका मीन्स कौन सी क्वेश्चन हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कोई क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम पावर आपकी कितनी होनी चाहिए टू, अगर टू पावर आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी वरना नहीं होगी। इसके अलावा इतना ही आ जाए आपके पास में तो आपका क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और इसके अलावा इसमें पावर थ्री और आ जाए, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूँ, जैसे कुछ भी लगा दिया यहाँ पर d, यहाँ से इससे पहले कोई भी टर्म ले लेते हैं, जैसे अपने पास में x क्यूब और आ जाए इसमें ऐड होके, इसका मींस अपने पास में क्यूब आ रहा है, तो भी अपने पास में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओनली फोर पावर कितनी चाहिए टू चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से इनमें देखेंगे अपन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन देखेंगे किसमें, जीरोज एंड कोफिशिएंट। एक बार देखना यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से ए है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर बी है। कोफिशिएंट का मतलब है यहाँ से मींस है वो उससे जितने भी डिजिट आपके मल्टीप्लाई, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अपने पास में, जो भी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है वही उसका क्या होता है कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पर सी है वो है अपना कॉन्स्टेंट टर्म। कौन सा टर्म अपने पास में, कॉन्स्टेंट। कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के टू आ गए, आप सोचोगे कि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना है, तो जिसके पहले कुछ भी नहीं होता इसका मींस ये वन से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, इसका मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा वहां से वन। ऐसे ही वन यानी एक्स का कोफिशिएंट भी कितना हो जाएगा वन, और कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ से टू हो जाएगा। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बनेगा बी, कॉन्स्टेंट टर्म आपका कौन सा होता है यहाँ से सी होता है। अब रिलेशन देखेंगे तब देखो इसमें टू स्टेप करनी होती है अपने को। टू स्टेप में देखो सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ अपने को करना होता है जीरोज। क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोज, ये आपका इसका बेसिक चल रहा है फिलहाल में। इसका क्या चल रहा है यहाँ से बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरोज में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी पावर है इसके मैक्सिमम, कितनी पावर है यहाँ पर टू पावर है, तो इसके जीरोज कितने बनेंगे टू,
बनेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जितनी पावर होती है इसके उतने ही क्या बनते हैं, इसके जीरोज बनते हैं। तो पावर यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, टू, तो जीरोज बनेंगे इसके टू। मैं कुछ भी ले लेती हूँ, एक जैसे मैंने अल्फा ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, बीटा। इस सिंबल को मैंने लिखा है यहाँ से अल्फा, ओके, और इसका मीन्स यहाँ पर है बीटा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जितनी पावर थी उतनी ले ली है, पावर अगर थ्री होगी तो तीसरा और क्या ले लेंगे यहाँ से, जैसे अल्फा बीटा, थर्ड क्या हो जाएगा गामा, इसका मीन्स यहाँ पर है जी ए डबल एम ए, इसको बोलते हैं यहाँ से गामा। अब देखना, पर अपने पास में पावर टू ही है तो यहाँ से दो ही जीरोज होंगे। सबसे पहले यहाँ पर होता है सम ऑफ जीरोज, ये मैंने फाइंड नहीं किया, पहले इसकी जीरोज लेके ही बताए थे। सम ऑफ जीरोज इक्वल में आपका फॉर्मूला यहाँ से होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसके यहाँ क्या होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स स्क्वायर, सम ऑफ किसका सम करना है जीरोज का, तो एक जीरोज तो क्या है इसका अल्फा, दूसरा क्या है अपने पास में बीटा, तो सम करना है तो अल्फा प्लस के क्या हो जाएगा बीटा, इक्वल माइनस चल रहा है कोफिशिएंट ऑफ किसका एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बी, तो यहाँ से बी आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है ए, तो यानी ये क्वेश्चन बनेगी अपने पास में। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन में ए, यानी एल एच एस पार्ट इक्वल आपका क्या आना चाहिए आर एच एस आना चाहिए रिलेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है अपने पास में कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट करना है किसका जीरोज का, जीरोज अपने क्या लिए थे अल्फा और बीटा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या है यहाँ से सी है, तो सी अपॉन में क्या बनेगा ए, ये क्वेश्चन सेकंड है। इसमें भी एल एच एस इक्वल में आपका क्या बन जाना चाहिए आर एच एस बन जाना चाहिए। इतना बनने के बाद में लास्ट में वहाँ पर लिखेंगे इट इज वेरीफाइड, यानी वो वेरीफाई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, यहाँ से एग्जांपल में अपन करेंगे, तो देखो ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे वहाँ पर। देखो इसकी जनरल फॉर्म और देख लो फॉर्मूले में, यहाँ होता है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा और बीटा, कहने का मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम दिया हो आपको और क्या दिया हो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया हो, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर लगा दो, आपके पास में क्या बन जाएगी एक क्वेश्चन बन जाएगी, जो कि आगे एग्जाम्पल में पूछेगा भी अपने पास में, ठीक है। तो वहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं आपको दिखा दूंगी, ओके, और के आपका इससे पूरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा बाहर कॉमन ले लेंगे और इक्वेशन आपकी रह जाएगी। देखो अपन अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन अपना एक एग्जांपल ही है, मैंने एग्जांपल है अपना फाइंड द जीरोज, क्या फाइंड करना है जीरोज, पहले तो जीरोज फाइंड करने ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो देखो पावर टू आ रही है इसका मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, एंड वेरीफाई, वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ से सबसे पहले इस इक्वेशन को लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस एट, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को एफ एक्स इक्वल में लिख लेंगे, क्यों लिखा मैंने, देखो ये क्या दिया हुआ था पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल इक्वल में ये दे रखा, पॉलीनोमियल को डिनोट या तो एफ एक्स से कर सकते हैं या फिर किससे डिनोट किया जा सकता है यहाँ पर पी एक्स से, पी क्या होता है पॉलीनोमियल होता है, तो पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं या किससे एफ एक्स से, एक्स क्यों आया क्योंकि ये एक्स की टर्म में है, अगर वाई आता तो यहाँ किस में हो जाता है ये वाई में, तो एफ एक्स से डिनोट मैंने इसको कर दिया। इतना डिनोट करने के बाद में सबसे पहले इसके क्या करेंगे
करेंगे, यहाँ से फैक्टर करेंगे इसके। तो देखो यहाँ कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई करने पे तो आपको कितना आना चाहिए, माइनस के एट एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और सबट्रैक्ट करें या ऐड करें तो कितना आना चाहिए, माइनस के 2 आना चाहिए। सबसे पहले इस ऐड का प्राइम फैक्टर करूँगी, माइनस वही मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ऐड को 1 से किया तो कितना आया था ऐड, 2 का जाएगा 4, 2 का जाएगा 2, 2 का जाएगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 2 2 ये बना, बीच में ओनली 4 कितना चाहिए, माइनस के 2 चाहिए, तो 2 2 जा 4 ये मैंने अलग रख लिया, और ये 2 देखो कितने चाहिए, माइनस के 2, इसको माइनस रख लिया, इसको प्लस। अब देख सकते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 में से 2 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा, और अक्स में चल रहा है तो दोनों के क्या लगा दिया मैंने अक्स। अब देख सकते हो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 2 अक्स बचेगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 4 2 जा 8, और अक्स को अक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अक्स स्क्वायर। तो इसके फैक्टर आपके ये बन गए हैं। तो देखो अक्स स्क्वायर माइनस के इसकी जगह आ जाएगा 4x, इसकी जगह 2x, और यहाँ क्या चल रहा है, माइनस के 8 चल रहा है। इतना करने के बाद में एफ एक्स इक्वल में इन दोनों टर्म में से अपन कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से x आ गया, यहाँ ओनली 4 बचा x, यहाँ 4 प्लस इन दोनों में से 2 आ गया, यहाँ x माइनस के 4 क्योंकि 2 4 जा 8 वापस आ रहा है। ओके, यहाँ जो ऑपरेटर होता है वो ही यहाँ आता है, इसको तो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया x प्लस 2, और इन दोनों में से एक ब्रेकेट x माइनस 4 इक्वल क्या चल रहा है f x। उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगी मैं, f x के इक्वल में यहाँ से क्या ले रही हूँ 0, तो f x की जगह मैं इसकी जगह क्या लगाऊंगी 0, तो 0 इक्वल में x प्लस 2 x माइनस के 4 ये आ गया। अब देखो यहाँ से इसमें आगे करेंगे, देखो 0 इक्वल x प्लस 2 x माइनस 4 है, एक बार इसके लिए 0 करेंगे तो देखो 0 इक्वल x प्लस 2, ओके, एक बार इसके लिए करेंगे अपन है तो 0 इक्वल x माइनस के 4, 0 इक्वल x प्लस 2, x को यहीं रखा, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 2 माइनस के 2 इक्वल क्या हो गया आपका x हो गया। यहाँ से करेंगे तो 0 इक्वल x और ये माइनस के 4 हैं, इधर आके किसके हो जाएंगे आपके प्लस के, तो 4 इक्वल क्या आ गया x। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू एक तो है माइनस 2 और एक x की वैल्यू कितनी है 4, इनमें से एक को ले लेंगे अल्फा और एक को क्या ले लेंगे बीटा, किसी को भी ले लेना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसको अल्फा ले लेना चाहे इसको बीटा, चाहे इसको अल्फा और चाहे इसको बीटा, किसी को कुछ भी ले लेना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास में यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस 2 है और बीटा की वैल्यू क्या है 4। सबसे पहले देखो एक बार अल्फा और बीटा क्यों लिया, क्योंकि पावर देखो मैक्सिमम कितनी है 2, तो जीरोज कितने होंगे इसके 2 होंगे, तो एक को ले लिया मैंने अल्फा और दूसरे को क्या ले लिया बीटा। तो सबसे पहले यही बोला था फाइंड द जीरोज, तो जीरोज का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अपन ने कर दिया है, जीरोज की वैल्यू अल्फा की वैल्यू माइनस 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आगे रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, तो देखो वहां से करेंगे अपन, जीरोज में देखो सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ये होता है, इसके लिए होता है फॉर्मूला, अपन इंग्लिश वाला भी लिखेंगे कंप्लीट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सम ऑफ जीरो, जीरोज क्या लिए थे, एक अल्फा और एक क्या लिए थे अपन ने बीटा, तो इनका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा, सम यानी प्लस का सिंबल आ जाएगा इक्वल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है यानी ए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस के बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू यहां से देखेंगे माइनस 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है इक्वल, देखो यहाँ माइनस है आपका, और बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से देखो इक्वेशन में रिटर्न लिख लेती हूँ, इक्वेशन आपकी चल रही है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 2 नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे माइनस के 2, यानी उसके पहले भी सिंबल आ रहा है तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा। ए ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 4 में से 2 लेस हो गया, कितना बचेगा 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ 2 अपॉन 1, तो 2 इक्वल में इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, तो आपका क्या बन गया LHS इक्वल में क्या बन गया यहाँ से RHS बन गया। ये तो एक ही पार्ट हुआ, अब क्या करेंगे यहाँ से प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पर यहां से अपने को सेकंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके लिए क्या होता है अपने पास में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखो एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई, यहां क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखो यहां से क्या है माइनस के 8 है, तो माइनस के 8 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से 1 है, ओके। और वैसे पहले लिखेंगे तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म सी और अपॉन में क्या होता है आपका ए, अब अल्फा की वैल्यू माइनस 2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू अभी बताई थी कितनी है माइनस 8 है, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, 4 2 8 माइनस के 8 और माइनस के 8, LHS इक्वल आपका क्या हो गया यहाँ से RHS, दोनों टर्म इक्वल हो गए, तो लास्ट में लिखेंगे इट इज वेरीफाई करवाया था, ये वेरीफाई आपका हो गया, ओके। तो इस तरीके से करना है, नेक्स्ट में एग्जांपल कुछ और बताती हूँ आपको, जैसे मान लो आपके पास में ऐसे ही आ जाए रिलेशनशिप फाइंड करना है और इक्वेशन है उसकी जगह आ जाए आपके पास में 4x² + k 8x, ठीक है, तो ये आ जाए देखो नेक्स्ट जो मैंने सेकंड एग्जांपल यानी दे रही हूँ यहाँ से, ये आ गया सबसे पहले क्या कहा था इसको किसके इक्वल लेना है fx के इक्वल, इसमें देखो कौन सा टर्म नहीं है कांस्टेंट टर्म नहीं है, कौन सा टर्म नहीं है कांस्टेंट टर्म, जब ये टर्म नहीं है तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखो fx इक्वल यहाँ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है 4 और x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस इसमें कितना बचा 2, फिर क्या करना है कि एफ एक्स इक्वल में क्या ले लेंगे 0, क्योंकि देखो एक ब्रैकेट तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल में क्या कर देंगे 0, तो इसकी जगह अपन क्या लगाएंगे 0 इक्वल में 4x x प्लस के 2, एक बार इसके लिए 0 करेंगे तो 0 इक्वल 4x और एक बार x प्लस के 2 इक्वल क्या करेंगे यहाँ से 0, तो x इक्वल ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा आपका डिवाइड में 0 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 2 है किसकी हो जाएगी माइनस की, इसको ले लेंगे अल्फा और इसको क्या ले लेंगे अपन बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है एंड बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 2 है, अब क्या होता है अपना सम ऑफ जीरोज यानी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस के बी अपॉन में ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2 है इक्वल माइनस बी क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से 8 है अपॉन ए क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से 4 है, तो 0 प्लस माइनस माइनस और माइनस के 8 अपॉन में 4 माइनस 2 ये कट जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 2, ये क्या हो गया LHS इक्वल आपका कौन सा टर्म बन गया यहाँ से RHS बन गया, ओके। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जैसे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या होता है सी अपॉन में ए, ठीक है यही होता है, अल्फा की वैल्यू देखो 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो अपन यहाँ क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे, क्योंकि इसमें 0 ऐड कर दो क्या इफेक्ट पड़ता है कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक ही जगह ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 और 0 अपॉन में 4 क्या हो जाएगा 0, तो LHS इक्वल आपका क्या बन गया RHS, इट इज वेरीफाई, ओके। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देती हूँ, उसमें देखो यहाँ से जैसे एक एग्जाम्पल हो लिया एक्स स्क्वायर माइनस के 50 ये दिया, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इस बार एक्स का टर्म गायब है यहाँ से, तो देखो इस टाइप का आता है तब कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले इसको एफ एक्स के इक्वल लेना है, ये मैंने ले लिया यहाँ से
इसके फैक्टर करने हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ से फैक्टर फिलहाल में आपको लग रहा होगा दो टाइप हैं, दोनों तरीके बताऊंगी, टू टाइप हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वही कर लेना। यहाँ से सबसे पहले देखो मैंने अक्ष है इसके स्क्वायर यहाँ लगा लिया, ठीक है। 15 देखो मैंने रूट 15 इसके स्क्वायर लगा लिया, कैसे लगाया देखना। इस स्क्वायर से ये रूट है वो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 15 वो वापस ऊपर का, तो कोई फैक्टर नहीं पड़ा इस पर। अब देखो यहाँ से इसको ले लूँगी मैं a और ऊपर स्क्वायर चल रहा है, इसको ले लूँगी मैं b ऊपर स्क्वायर चल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस के बी। तो देखो यहाँ से ये क्या चल रहा है एफ एक्स इक्वल, यहाँ से a की वैल्यू क्या है x है प्लस b की वैल्यू क्या है रूट 15 है, यहाँ से x b की वैल्यू क्या है रूट 15 है, ओके। अब फिर क्या किया था एफ एक्स के इक्वल मैंने क्या लिया था 0, तो इसकी जगह मैं क्या लूँगी 0, तो 0 इक्वल x प्लस के रूट 15 और x माइनस के रूट 15। यहाँ से ये करेंगे तो 0 इक्वल x प्लस के रूट 15, ओके अक्स को यहीं रखा प्लस है ये किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो माइनस के रूट 15 इक्वल में क्या हो गया अक्स, ये इसको क्या ले लेंगे अल्फा। ऐसे ही अपन यहाँ से करेंगे यानी इसके लिए जीरो करेंगे अपन, तो 0 इक्वल अक्स माइनस के रूट 15, अक्स इक्वल माइनस का इधर के किसका हो गया अपने पास में प्लस का, तो रूट 15 इक्वल में क्या आ गया आपके पास में अक्स आ गया। इसको क्या ले लेंगे यहाँ से बीटा। अब क्या होता है सम ऑफ जीरोज रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए क्या होता है माइनस के बी अपॉन में, रिलेशनशिप पूछा है तो बताएंगे, मैं एक बार आपको बता रही हूँ यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस के रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है रूट 15 है इक्वल माइनस बी क्या होता है कोफिशियंट ऑफ अक्स, वो टर्म इसमें नहीं है। क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या देखना एक बार, प्लस 0 अक्स माइनस के 15 क्या इफेक्ट पड़ता है, इस डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0, इसका मीन्स कोफिशियंट ऑफ अक्स क्या है अपने पास में 0, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ए कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, ओके तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा 0 इक्वल ये क्या हो जाएगा 0, एल एच एस इक्वल आपका क्या बन गया यहाँ से आर एच एस। फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल में क्या होता है सी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है रूट 15 है इक्वल सी, सी देखेंगे तो सी आपके पास में देखो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो कितना है माइनस के 15 अपॉन ए, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1। अब देखो यहाँ से 15 को 15 से करेंगे तो 225 क्या हो जाएगा माइनस और माइनस के 225 किसका होता है 15 का होता है, तो माइनस के 15 इक्वल में माइनस के रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो 15 लिख सकते हो, तो एल एच एस इक्वल में आपका क्या बन गया यहाँ से आर एच एस बन गया, ओके। इसका दूसरा जो तरीका है वो देखना एक बार आप, जैसे मैंने ये एफ एक्स के इक्वल में ले लिया, ओके आप डायरेक्टली क्या कर दो यहाँ से एफ एक्स इक्वल क्या कर देंगे 0, तो 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 15, एक्स स्क्वायर इक्वल 0 ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 15 इक्वल में एक्स स्क्वायर। अब एक बात बता दूँ मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं उसके जीरोज, तो पावर यहाँ पर क्या है 2, तो इसके जीरोज कितने आएंगे 2 आएंगे क्योंकि पावर देख लो मैक्सिमम कितनी है 2, तो 15 इक्वल में एक्स स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा तो यहाँ इसके रूट लगेगा और बाहर क्या आएगा प्लस एंड माइनस दोनों ही सिंबल आएंगे क्योंकि आपको बता दिया था। इसका मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है प्लस के रूट 15 है एक तो, और एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के रूट 15, तो ए को क्या ले लेंगे अल्फा और दूसरे को क्या ले लेंगे बीटा। फिर वही तरीका है सम ऑफ जीरोज और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, अगर यहाँ पर एक्स आता है तो यहाँ पे एक्स लगा देना, यहाँ पे एस आता है तो यहाँ पे एस लगा देना, यहाँ पी आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, ओके। एक्स में इक्वेशन है तो एक्स आ जाएगा, वाई में इक्वेशन है तो वाई हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है। देखो दूसरे टाइप का जो एग्जांपल है वो देखना अभी अपने पास में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कौन सा पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक, द सम पहले किसका नाम है सम का, तो सम ये दे रखा है, फिर क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है ये हुज जीरोज आर ये दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, पूछा क्या पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी आपको इक्वेशन पूछी है, तो यहाँ से सॉल्यूशन में देखो इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के क्या होता है आपका सी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ से सम है तो सम ऑफ क्या जीरोज
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज बोला तो सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या दे रखा है, वन अपॉन में फोर दे रखा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन में ए। और सम ऑफ जीरोज, सम जीरोज का कितना दे रखा है, वन अपॉन में फोर, तो वन अपॉन में फोर इक्वल माइनस के बी अपॉन में ए। अब देखो यहाँ से इसको, इसमें ए है, वहाँ पर मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया, क्या के ले लिया यहाँ से, तो वन अपॉन में फोर इक्वल कोई भी ले सकते हैं कांस्टेंट, ए की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से के इक्वल में आपका हो जाएगा माइनस के फोर बी। मुझे यहाँ से ओनली फोर बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू तो मैंने ले ली, अब मुझे चाहिए बी की, तो के अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस के फोर, यानी माइनस के अपॉन में फोर इक्वल आपका क्या बन गया यहाँ से बी बन गया। ठीक है, फिर क्या प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आपको क्या दे रखा है माइनस के वन, ये सम की वैल्यू होती है, दूसरी किसकी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या होता है सी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों की ही दे रखी है, प्रोडक्ट की कितनी दे रखी है माइनस के वन सी अपॉन में। कभी आप अल्फा की जगह ही मत लगा लेना, ऐसा नहीं करना है अपने को। ए की जगह मैंने क्या रखा था यहाँ से के, तो देखो माइनस के वन इक्वल सी अपॉन में ए है, माइनस के वन इक्वल में सी, ए की जगह मैंने क्या लगा दिया यहाँ से के, नीचे आ गया वन, तो माइनस के इक्वल में क्या हो गया आपके पास में सी, सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के आ गई। इक्वेशन क्या थी ये, अब देखना है यहाँ से ए की वैल्यू क्या है के, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू क्या आई है माइनस के अपॉन में फोर, तो माइनस के अपॉन में फोर, और यहाँ क्या है अक्स है, तो ये अक्स आपका आ गया प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस के है, तो माइनस के इसके नीचे वन लगा के इस इक्वेशन का मैंने क्या ले लिया यहाँ से एलसीएम, तो कितना आ जाएगा फोर, यहाँ फोर के अक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और फोर से फोर कैंसिल हो गया, ओनली फोर क्या बचेगा के अक्स वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के फोर के। अब देखो यहाँ से फोर के अक्स स्क्वायर माइनस के अक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अंदर बचेगा फोर अक्स स्क्वायर, यहाँ अक्स माइनस के फोर, इस के को नेग्लेक्ट कर देंगे, आपके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो क्या बनेगा फोर अक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के फोर बनेगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका ये बन गया। अब एक बार देखना, अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्म बताई वो देखना, तो जनरल फॉर्म देखो अपने पास में थी, इसमें के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स था, और यहाँ के था प्लस इसमें था के अल्फा और बीटा, ये था जनरल फॉर्म थी, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा और बीटा। एक बार देखना, के तो अपनी जगह, एक्स स्क्वायर भी अपनी जगह, के अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है इसने वन अपॉन में फोर, तो वन अपॉन में फोर कर दो एक्स, के अपनी जगह अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट वो कितना दे रखा है यहाँ से माइनस के। अब देखो के एक्स स्क्वायर माइनस के को वन से करेंगे तो के अपॉन में फोर एक्स प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा के, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से फोर आ जाएगा, फोर को इससे करेंगे तो फोर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के फोर के हो जाएगा। आप देखो यहाँ से इसके अंदर अपने पास में, सॉरी उस इक्वेशन में अपने पास में नीचे के भी बचा था, नीचे सॉरी फोर भी था, तो अपने पास में वैसे थी वो इक्वेशन, एक बार फिर से उसको देखते हैं, तो फोर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के फोर के अपॉन में फोर था, उसमें भी ऐसा ही था, तो ऊपर से मैंने के कॉमन लिया था, यहाँ बचा था फोर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के फोर, ये था, और नीचे वाला के मैंने छोड़ दिया था, तो वो के था उसमें, तो फोर, ये सॉरी नीचे वाला फोर है वो छोड़ दिया था, तो यहाँ पर फोर है, इस के अपॉन में फोर इस पूरे को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये इक्वेशन आपकी बच गई थी, तो वो फोर मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया उस पर, तो आपको पता है यहाँ पे फोर भी था। ऐसा ही इसमें है, यहाँ से क्या आ जाएगा फोर कॉमन, तो यहाँ बचेगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के, यहाँ बचेगा फोर, सॉरी इसमें फोर नहीं ले रहे, ओनली फोर के आएगा,
तो 4x स्क्वायर माइनस के, यहाँ x बचेगा माइनस के 4, नीचे आपका क्या चल रहा है 4, तो k अपन 4 का अपन क्या कर देंगे छोड़ देंगे और आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बनेगी। ओके देखो इस दोनों में से जो भी आपको तरीका सही लगता है, दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका आप कर लेना, इसी तरीके से अपने को सॉल्यूशन करना, चाहे आप जनरल फॉर्म में रख के करो चाहे आप उस तरीके से करो। ओके दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना माइनस प्लस पे पड़ेगा, यानी साइन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।